नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी गुड इवनिंग। और दोस्तों, आप सभी का यहां स्वागत है सिंकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, अपने फिजिक्स एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, भैया देरी के लिए दिल से क्षमा है, क्योंकि भैया अभी इस जगह यहां पर बारिश आ रही थी, उस वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। अब उन इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले, सबसे पहले इस वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाओ है। चैनल पर नए हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में जरूर से शेयर करना। और जी, एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी अटेंडेंस जरूर से लगवा लीजिए। तो सुजल गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो जी? रेखा शर्मा जी, हेलो सर जी, हाय बेटा। सुजल गुप्ता जी, सर कब तक आएंगे? सर अब आ ही गए हैं। रेखा शर्मा जी आने वाले हैं, जी हां सर अब आ गए हैं। तो आईटी क्रैक करेंगे जी, हेलो सर, हाय बेटा। और सुरेश पटेल एमबीबीएस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो? एकदम रापचिक, एकदम झकास। हेलो, थोड़ा सा लेट नहीं हो गया क्या? जी हां, लेट तो हो ही गया, क्योंकि अभी यहां पर बारिश आ रही थी, इस वजह से जो है दोस्तों कुछ यहां जो है यहां पर टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, ठीक है। लेकिन अब बिना किसी देरी के अब पढ़ाई की जो बातें हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में आखिर क्या पढ़ाऊंगा? दोस्तों, क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी सिग्निफिकेंस पूरे फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में है, और वो है केवीएल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। अब सर जी, ये कब काम में आता है? जब अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट हो, यानी कि जटिल सा क्या हो, परिपथ हो, जहां पे कई सारे प्रतिरोध हो, कई सारी वहां पे सेल्स वगैरह हो, या फिर और भी कई सारे एलिमेंट्स। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब वहां कैपेसिटी आ जाए तो क्या करना है, जब वहां इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व आ जाए, क्योंकि अब ये चीजें आगे आएंगी, इससे भैया बेसिक बात को अभी से समझ के चलना जरूरी है। आई एम प्रेजेंट, आप क्या आ गए इसी खुशी में? सबको मेरी ओर से पार्टी। अरे वाह दोस्त, क्या बात है। तो आज की पार्टी आईटी की तरफ से। तो देखिए भैया, अब मैं यहां पर क्या समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या पढ़ा रहे हो सर आप? आप पढ़ा रहे हो केवीएल, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज नियम। कल जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो भैया दो रूल्स, दो नियम आने चाहिए। सर जी आखिर कौन कौन से? पहले नंबर का जंक्शन लॉ, यानी संधि बिंदु का नियम। अब वहां पर ये आखिर मतलब कि आखिर ये क्या चीज है, और यहां पर आखिर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इन सभी के बारे में कल पूरी की पूरी क्लास में मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में समझाया था। लेकिन आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि केवीएल। बच्चों, अगर तुम लोगों को केवीएल को समझना है, तो भैया बहुत ही सस्ते वाले एग्जांपल से समझो। सर जी क्या, कि मान लो आप एक ऐसी जगह पर गए जहां पे चारों तरफ क्या थे, पहाड़ ही पहाड़ थे। क्या थे? पहाड़ ही पहाड़ थे। आईटी क्रैक करेंगे, 11th वाले किरचॉफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, थोड़ी क्यों, पूरी जानकारी लीजिए। तो सचिन झुंझुनू जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते सचिन भैया, आज बहुत दिनों बाद आप मीटिंग में पधारे हैं, आपका भी दोस्त यहां पर वेलकम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि अपन एक ऐसी जगह पर चले गए जहां पे चारों तरफ क्या थे, पहाड़ी पहाड़ थे, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मान लो कि तुमने एक पॉइंट से चलना चालू किया, एक बिंदु से चलना चालू किया, कभी आप अपसाइड जा रहे, फिर डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, ऐसे ऐसे पूरा पूरा घूमते घूमते आप वापस से उसी पॉइंट पर आ गए। तो जी मेरा आप लोगों से सवाल है कि बताइए आपका नेट एलिवेशन कितना है, यानी कि आप कुल कितना ऊपर या कितना नीचे हुए? सर जिस पॉइंट चालू किया था उसी पॉइंट पर आ गए, यानी कि नेट एलिवेशन कितना है? जीरो। पास। अब इसी चीज को सर्किट में समझो क्या, कि सर्किट के एक पॉइंट से, परिपथ के एक बिंदु से चलना हम स्टार्ट करेंगे, और भैया फिर पूरे के पूरे परिपथ में जाते जाएंगे और वापस से उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। तो बच्चों अब ये बताना है कि सर आखिर यहां पर कुल पोटेंशियल डिफरेंस, आखिर जो अपने पास में यहां पर जो कुल विभव का जो पतन कितना हुआ है? सर जीरो, क्योंकि मैं जहां से मैंने चलना चालू किया था मैं वहीं पर आ गया। सर जी एक बार प्लीज बोर्ड पर समझा दो। और रेखा शर्मा जी का जो है रिप्लाई, सर जी जीरो। जी हां, नेट कितना ऊपर है नीचे? जीरो। ओके, तो सचिन झुंझुनू जी, सर सुरेश पटेल एमबीबीएस, गुरु गोविंद हो
खड़े किसके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्या बात है, कितने अच्छे विचार हैं। और सचिन झुंझुनू जी सारे कहां गए पुराने वाले, अरे आखिर आज पुराने दोस्त कहां गए हैं। जल्दी से वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करो। तो दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों को आखिर जो है कौन कौन सी बातें अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, तो दोस्त मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया है कि यार KVL में अपने पास एक सर्किट होगा, आप एक पॉइंट से चलते 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 पूरे परिपथ में घूमते 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 वापस वहीं पर आ गए, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, विभवांतर कितना, सर जीरो। बस यही तो लॉ है। तो IIT क्रैक करेंगे जी। सर मैं आज अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने वाला था, पर फिर याद आया आज तो ट्यूजडे है, आज तो मोहित जी वर्नियर कैलिपर्स लाएंगे। ऐसा मैंने कब कहा यार मैं वर्नियर कैलिपर्स लाऊंगा, ऐसे तो मैंने नहीं बताया। सुरेश पटेल जी एनुअल प्लस N2 प्लस N3 प्लस अप टू N अनंत। ओ हो, तो देखिए बच्चों अब मेरी बात समझो, क्या कि किसी बंद पथ में सभी अवयवों यानी कि जो भी एलिमेंट्स है, अरे मतलब रजिस्टर है, बैटरी है, आखिर क्या क्या है, वो सब कुछ उन सब का मिला करके, तो किसी बंद पथ में सभी अवयवों के सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग यानी कि एलजेब्रिक सम योग शून्य होता है। अब इसी बात को अंग्रेजी में इंग्लिश में आराम से रापचिक तरीके से अब एक और बार देख लेते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कि क्या कि यहां पे हमें लिखना जरूरी है कि नेट एलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। ये लॉ हो गया, बस इतना सा ही लॉ है क्या ये? जी हाँ, लॉ तो इतना सा ही है, लेकिन इस नियम को लगाना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इस लॉ को अप्लाई करने के लिए भी 2-3 लॉज अलग से बताने पड़ते हैं। पर घबराना बिल्कुल भी मत, जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन होगा, पूरी की पूरी जो यहां पे फिलोसॉफी है तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी, इस चीज की मेरी गारंटी है। तो करना क्या है, मीटिंग के साथ आखिर तक बने रहना है। और ये मैं क्या देख रहा हूं यार कि अब तक आप लोगों ने ना तो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाया है और ना ही दोस्तों के साथ शेयर किया। यार शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो डिफरेंस इन फिजिक्स डेल्टा हीट, वाई हीट इन केमिस्ट्री है। अरे भैया वो तो सिंबल है। क्या है? सिंबल है भाई। एक लड़का है, उसको अपने नानी के घर पे बोलते हैं चप्पू। क्या बोलते हैं? चप्पू। और अपने दादी के घर पे क्या बोलते हैं? गप्पू। अब बताइए क्या इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं सर, लड़का तो वही है ना। तो जी अब आप बात का मतलब समझिए कि जो सिंबल है वो तो सब्जेक्ट वाले अपने अपने तरीके से ले लिया करते हैं, इनमें जो है कोई सी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अब ये केमिस्ट्री में आओ, बता रहे सर क्या बोलते हैं? हीट। यार वो डेल्टा एच को शायद बोलते होंगे। तो जी सिंबल था, मे बी आप लोगों के जो सर थे एच लिखना भूल गए होंगे, या फिर मे बी आपके सर डेल्टा से ही क्या लिखते होंगे? हीट। तो बेटा वो तो सर की अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है? ओके, तो आइए अब चलते हैं आगे अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। चलो सर आगे कि सर हमारे पास में एक क्या है, क्लोज सर्किट जिसमें बैटरी भी है, मान लो भाई कितने भी वोल्ट की है, जैसे कि E1, ऐसे करके जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, फिर ऐसे करके एक और ये ऐसे बैटरी आ गई, एक और रेजिस्टेंस आ गया, ऐसे कर करके अपने पास में पूरा का पूरा सर्किट बन रहा है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ से शुरू करके पूरा ऐसे घूमते, देखो सर एक बार एरो जरूर बनाना कि सर कैसे, कि सर यहाँ से यूं गए, मतलब इसमें यहाँ से यूं गए, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से वापस यहीं पर आ गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा? जीरो। सर रैपिड अग्नि इन क्या
इंग्लिश सर, क्या रैपिड अग्नि अननोन प्लेयर, हेलो सर आप 11th को पढ़ाते हो क्या? जी हाँ दोस्त, इस प्लेटफॉर्म पर मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, चाहे 11th हो चाहे से अपने पास 12th हो, ठीक है ओके। तो जी अगर चैनल पे नए हो ना तो भैया सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाना है, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबना चाहिए। अभी पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केवीएल। तो भैया केवीएल में क्या कि किसी सर्किट में, क्लोज सर्किट में यहां से शुरू करके वापस घूमते घूमते यहीं पे आ गए, आप चाहो उल्टा चल लो कि नहीं सर में तो यूं जाके फिर यूं जाके यहां, तो बेटा जहां से चले थे जहां पे आए हो क्या वो पॉइंट सेम? अगर वो सेम है तो भैया नेट आप यहां पे लिखिए सम। अब ये है सिग्मा, सिग्मा क्या बोल रहा है, ये है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच एलिमेंट, तो बच्चा जी वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अननोन, अरे रे 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 रे, रुको 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 भैया, तो चलिए अब चलते हैं जी आगे, चले कि सर अब मुझे इस लॉ को अप्लाई करने का तरीका बताओ, सही है कि आखिर मैं केवीएल कैसे लगाऊं। तो बच्चों केवीएल लगाने के सिंपल से तीन स्टेप्स हैं, कैसे कि हो सकता है कि बीच रास्ते में बैटरी आ जाए, या फिर बीच रास्ते में रजिस्टर आ जाए, या फिर बीच रास्ते में कैपेसिटर यानी संधारित्र आ जाए, या फिर बीच रास्ते में इंडक्टर आ जाए, लेकिन अभी के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर को छोड़ो, जब आएंगे तब की तब देखेंगे, अरे मैं ही पढ़ाऊंगा। अभी ये समझे कि रास्ते में चलते चलते, सर जी मैं तो रास्ते से जा रहा था और बीच में क्या आ गई बैटरी, और या फिर बेटा बीच में क्या आ गया रजिस्टर यानी प्रतिरोध, तो उनसे डील कैसे करना है, तो आइए समझिए। तो राहुल चौधरी जी, गुड इवनिंग सर, अननोन प्लेयर जी, हां भाई खेलता हूं पबजी, तो जी इसमें कौन सी बुरी बात है जी, ये तो अच्छी बात है। और हीना शर्मा जी, गुड इवनिंग सर, हीना जी नमस्कार, आपका भी यहां पर वेलकम है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को फैला दो ठीक है, और आ जाओ मेरे साथ। अब ये समझो कि आखिर मैं सर यूज कैसे करूं, सर प्लीज मुझे बताओ। और सर फिर मुझे क्वेश्चन, बेटा क्या ये बोलने की बात है, जो भी समझाता हूं उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं जो भी क्वेश्चंस मैक्सिमम क्लास में करवा सकता हूं सारे के सारे करवाता हूं, ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। यहां पे देखिए मेथड्स, या चलो इसको स्टेप्स लिखो, स्टेप्स फॉर अप्लाइंग के KVL, यानी वो कदम कौन कौन से हैं जिन कदमों से आप KVL लगाएंगे। तो इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। जैसे पहला कि बेटा बीच रास्ते में कौन मिल गई, बैटरी मिल गई या एक सेल मिल गया, क्या जी बैटरी मिल गई या फिर सेल मिल गया। अब सर सेल्स के कॉम्बिनेशन को ही तो क्या बोलते हैं सर बैटरी, सिंपल रहे इसमें क्या है। तो अब ये समझे कि बैटरी मिल गई तो क्या होगा, तो बच्चों इधर आओ। अब देखो बेटा यहां पर समझो, यहां समझिए कि आखिर बैटरी मिलेगी तो क्या करना है। तो देखो ये रही बैटरी जिसका अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे उसको ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, पर अभी ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ये मैं तब समझाऊंगा जब मैं अलग से बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। तो अभी परेशान नहीं होना है, अभी सिंपल सा क्या कि भैया बीच में क्या आ गया बेटा अपने पास यहां पर बैटरी आ गई। तो आईटी क्रैक करेंगे जी, रायता और वीडियो दोनों फैलाने की चीज है। क्या बात है भाई, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफी कमाल का है जी, आईटी क्रैक करेंगे जी। तो और राजा अब समझो बीच में बैटरी आ गई, अब से जैसे सर इसका सर वोल्ट, जैसे मान लो 10 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी है, लेकिन बच्चों ये तो समझते हो कि ये जो बड़ी लाइन खींची है ये पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, और जो छोटी लाइन खींची है वो नेगेटिव बताती है कि नहीं। लेकिन सर बीच रास्ते में बैटरी तो आ गई, लेकिन सर हो सकता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं, या हो सकता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं। हां तो रश्मि चौधरी जी, गुड इवनिंग सर जी, हां रश्मि जी वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा जी अब यहां समझो क्या कि अगर तुम ऐसे जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी तुम ऐसे जा रहे थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऐसे केसेस में तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, विभवांतर माइनस लोगे, और जो भी है उसको लिखोगे। ओ अच्छा, यानी कि अपने को एक क्लोज लूप में चलना है, बंद लूप में चलना है। तो डिपेंड करता है जब तुम चल रहे हो तो बीच रास्ते में कौन आया, और जो बीच रास्ते में जो भी आया तुम ऐसे गए थे कि वैसे। तो यहां ये एरो क्या बता रहा है, ये आपके ट्रेवर्सल की डायरेक्शन बता रहा है। सर एक बार हो जाए ओ बेटा जी, और जी जस्ट चिल भी करवाओगे यार, चलो ठीक है कर ही देते हैं जस्ट चिल, ठीक है। अब देखो आ जाओ मस्ती से हम लोग पढ़ते हैं, इधर आइए।
आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, विभवांतर क्या लेंगे, माइनस। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं जाके, ऐसे जाते कैसे कि सर हम तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए हैं, तो बेटा जहां गए होगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो ऐसी कंडीशन में क्या लोगे, प्लस, या चलो मत लगाओ, बात तो वही है ना यार। तो बेटा ध्यान से समझिए कि हमें बंद लूप में चलना है और चलते चलते बीच रास्ते में हो सकता है बैटरी आ जाए, हो सकता है एक प्रतिरोध आ जाए। तो बैटरी आ गई तो डिपेंड करता है कि माइक की जो है हम लोग ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, माइनस। और अगर जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं तो बच्चों क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। क्यों डरती, हेलो सर जी, हाय बेटा, कैसे हो जी। तो आओ बच्चों अभी समझाते हैं आपको बैटरी के बारे में। देखो मैंने समझा दिया, पर सर बीच रास्ते मुझे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस भी तो मिल सकता है। अरे मैं समझाऊंगा, अरे क्यों टेंशन में आते हो, अरे क्यों टेंशन में आते हो। तो आओ राजा अब समझो कि भैया बीच रास्ते में सर क्या मिल जाए, रेजिस्टेंस। लेकिन सर वहां पर भी दो रास्ते हो सकते हैं। सर कैसे, मैं तो समझा ही नहीं। तो आओ राजा समझो, मान लो ये रेजिस्टेंस है, है? सर ये कितने ओम का, जिसे मान लिया आर का, और सर करंट कैसे फ्लो हो रही, धारा भैया ऐसे बह रही, ठीक है। तो अब क्या, जिस ओर जाएंगे साइन वो ही होगा। सो क्यूट किरचॉफ लॉ, अरे वाह वाह क्या बात है, आप तो समझ रहे हैं। तो बेटा जी अब एक और बात समझो, क्या कि मान लो कि तुम तो कि भाई मैं तो रस्ते से तो भाई तुम जिस रस्ते पे गए वहां पे रेजिस्टेंस मिल गया है, और भैया ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही, तो सर मैं कैसे जा रहा हूं, इधर आओ। तो मान लीजिए कि आप करंट के फ्लो के अलोंग जा रहे हैं, धारा के प्रवाह के अनुदिश जा रहे हैं, तो बेटा एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर होता है। सर ओम अंकल क्या था, V बराबर IR पढ़े थे। अच्छा, तो बीच रास्ते में अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे, IR। लेकिन तुम करंट के फ्लो के अलोंग जा रहे हो, तुम धारा के प्रवाह के अनुदिश जा रहे हो, तो क्या लगाओगे, माइनस। अरे सर फिर तो समझ गया कि अगर धारा के प्रवाह के उल्टा जाऊं तो क्या आएगा, प्लस। जी हाँ, तो अपने पास राहुल चौधरी जी, यस सर। कविता जैन जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बस अब इसका बी पार्ट और समझ लो और इसका खेल खत्म, फिनिश, खलास। उससे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता सर। कैपेसिटर आ गया तो बेटा मैं बैठा हूं ना, मैं बताऊंगा ना, पहले इन दो चीजों को तो समझो, एक साथ सारा रायता क्यों फैलाते हो, आराम से जस्ट चिल, समझ गए, बस आ जाइए मेरे साथ। तो देखो बेटा बी में क्या, सर जैसे मान लो कि ये रहा अपने पास रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है, और सर जी ये रही सर धारा, लेकिन सर मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैं तो इसके उल्टा जा रहा हूं। तो बेटा जी अगर तुम बीच रास्ते में तुम्हें रेजिस्टेंस मिला, प्रतिरोध मिला, तो देखो अरे मैं धारा के प्रवाह के अनुदिश हूं कि विपरीत हूं, तो अगर अनुदिश हूं अलोंग हूं तो बेटा फिर तो माइनस IR, और अगर ऑपोजिट हो तो क्या लिखना है, प्लस IR, दैट्स इट, हो गया काम, हो गया KVL, yes। तो भैया ये था KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के स्टेप्स, कदम, कि अगर बीच रास्ते में बैटरी आ जाए तो क्या करना है, और बीच रास्ते में अगर तुम्हारे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या करना है। तो सिंकोनी फैंस क्लब भी अब हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, कह रहे गुड इवनिंग सर, साथ में आग भी लगा रहे हैं। कविता जैन जी, यस सर। तो बच्चों अरे इस वीडियो को शेयर करोगे कि नहीं, अभी अभी IIT क्रैक करेंगे वाले भैया ने बताया कि चाहे रायता हो या वीडियो फैलाने में मजा आता है, तो भैया मजा तो तभी आएगा जब फैलाओगे और सब अपने जैसे अच्छे अच्छे और दोस्तों को लेके आओगे। तो बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो, हे सर व्हाट्सएप सर, दोस्त मैं एकदम झाकास, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और सचिन माली जी आज आप बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहां थे सचिन जी, आखिर मैंने आपको कहां कहां पे नहीं ढूंढा, जितनी भी क्लासेस पढ़ाया 11th
वाली में सब में पूछता था सचिन भैया कहाँ है, आ सचिन भैया आए हैं। और रेखा शर्मा जी यहाँ पे लगातार बनी हुई है, साथ में आग भी लगा रही। बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो कि ये बात समझ में आई क्या। अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊं, मैं आपके साथ ही हूं, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो रेखा शर्मा जी आईटी क्रैक करेंगे, हिना शर्मा जी, रश्मि चौधरी जी और सुजल गुप्ता जी और हमारे खास जो है हमारे खास मेहमान, वैसे सभी स्टूडेंट क्या है खास ही है, लेकिन अगर एक भी बच्चा मिस हो जाए तो भैया उसकी याद आती है। तो जितेंद्र जाट जी आज आप कहां चले गए, आज क्लास थोड़ी सी देर से क्या स्टार्ट हुई और आप यूं ही चले गए, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए बच्चों अब आगे चलता हूं, जतीन ये दो ये एक और राज्य, अब करेंगे क्वेश्चन। तो रेखा शर्मा जी क्लियर सर, सुनील गुप्ता जी क्लियर सर, क्या बात बच्चों, इसी जोश के साथ पढ़ते रहो। और हाँ तुम लोगों के जो तुम्हारी लैंग्वेज वाले नोट्स हैं वो भी बेटा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वालों के पहले ही कर दिए थे, आरबीएसई वालों के अब कर दिए, तो टेंशन नहीं, फिकर नॉट। क्या करना, इस वीडियो के नीचे सिंकोरी का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाइए और अपने नोट धपाधप डाउनलोड कर लो यार, मजे आ जाएंगे आप लोगों को। सचिन माली सर मेरे स्कूल के ग्रुप में लिंक डाल देता पर हमारे मास्टर जी नाराज होते हैं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स को पर्सनली तो मैसेज कर सकते हैं, तब तो टीचर को पता नहीं लगेगा ये। तो आइए अब चलते हैं आगे, अब चलो सर अब आएगी मुद्दे वाली बात। कौन सी मुद्दे वाली बात, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करोगे और इन लॉज इन नियमों को ध्यान रखोगे कि बीच रास्ते में बैटरी आ जाए तो क्या करना है, रेजिस्टेंस आ जाए, प्रतिरोध आ जाए तो क्या करना है। और सिद्धू पाजी जी भी अब तो आ गए, हेलो तुस्सी की आदत दोस्त मैडम झका, सचिन वाली सर आप टीचर बने हो बाई मिस्टेक, आपको तो एक्टर होना चाहिए। अरे यार तुम लोग ना अभी थोड़ा सेंटी कर दोगे यार, दुखती नस पे जो है तुमने हाथ रख दिया है बेटा, दिल से तो मैं एक्टर ही बनना चाहता था। एक बार जब है मुझे आज पता है, कॉलेज का पहला दिन था, पहला दिन सभी बच्चों का इंट्रो हुआ, सबको टीचर ने बुलाया आइए आइए प्लीज आइए, अब मुझे नहीं मालूम था कि अब यहाँ पे बेइज्जती होगी, बुला लिया। अच्छा What do you want to become in your life? तो मैंने कह दिया सर मैम आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। ओहो भाई साहब सभी लोगों ने क्या मजाक उड़ाया, खैर चलो छोड़ो इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले करेंगे जी क्वेश्चन, ठीक है आ जाओ मेरे साथ। तो आइए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि जैसे एक बैटरी ये लगा दी, सेल लगा दी, जो भी लगा दी, जैसे मान लो 5 वोल्ट का है, इधर एक रेजिस्टेंस कितने का 2 ओम, ठीक है। और बेटा देखो तीसरा वाला जैसे चलो यहां पे चिपका दिया, ये जैसे इधर एक और बैटरी लगा दी, सही है, ये जैसे बोल दी गई बेटा कितने की 10 वोल्ट की, अच्छा इधर भी बेटा एक रेजिस्टेंस लगा दिया है ना, चलो इधर नहीं, चलो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, अब अपना काम आसानी से हो जाएगा, कितने का 1 ओम का। अब सर आखिर मुझे क्या करना है, हाँ अब सही पकड़े हैं। तो बेटा जी अब तुमको बोला गया क्या कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, यानी कि परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना केवीएल नहीं कर सकते, बिना केवीएल ये वाला तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन में अटक सकते हैं, इससे भलाई इसी में है, केवीएल पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। तो बेटा जी एक बार कमेंट करके बता दो कि बेटा यहां पर तुम्हें यह बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो बट यू आर ग्रेट, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच रेखा जी। सिद्धू पाजी कहीं अकेले में मिलकर जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, क्या बात है, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है, उसका इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, अरे अरे अरे, अरे बेटा दिल भर आया है, दिल भर आया पर जी ठोको ताली है। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब सर मुझे बताओ कि करना कैसे। तो कविता जैन जी यस सर, तो आओ राज्य हम आपको समझाते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया तो बेटा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसकी नेमिंग कर दो, ये जो परिपथ का नामकरण संस्कार कर दो, ठीक है ओके, बिना पंडित जी को बुलाए। तो बेटा जी रश्मि चौधरी जी यस सर क्लियर है, ओके रश्मि जी, तो अब यहां देखिएगा, हाँ सर इसका नाम डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो, जैसे कि इस कॉर्नर को ए, ये बी, ये सी और ये डी, इससे क्या है थोड़ी तकलीफ कम होती है, सर्किट में चलने में, परिपथ में ट्रेवल करने में आसानी,
होते, नाम आप और भी कुछ दे सकते थे। अब सर दूसरी वाली बात कि मैं ऐसे जा रहा हूं कि ऐसे, उससे भी पहले बेटा एक बहुत काम की बात बता रहा हूं कि सर आप तो बोलते थे कि जो प्रतिरोध, कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का कैसे पता लगता है, करंट की डायरेक्शन से, धारा की दिशा से। लेकिन ओ सर यहां पर तो करंट की डायरेक्शन दी हुई नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं रे, इसमें तुम करंट की धारा के बहने की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो। है हाँ, यानी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे ऐसे, मतलब कि ऐसे करंट को बहाओ या ऐसे बहाओ, लेकिन ध्यान रखना, इधर आओ, अगर तुम्हारा फाइनली सॉल्व करने पर बेटा लाख टके की बात बता रहा हूं, सुन लो क्या बात है कि भैया सर जी यहां पे करंट तो दी हुई नहीं है, तो सर मैं डायरेक्शन किस तरफ लूं, तो जब नहीं दी हुई आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। हां, तो अगर आपकी मानी हुई डायरेक्शन सही है तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा यानी कि परिमाण तो सही है ही, और क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो दिशा आपने मानी है वो सही है। लेकिन अगर मान लो कि तुमने जो दिशा मानी लेकिन तुम्हारा फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि परिमाण तो सही है, बस जो दिशा हमने मानी है ना, सही दिशा उसके उल्टी है। तो क्या दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, आप जस्ट परिमाण लिख के आ जाएंगे, सिंपल, खेल खत्म। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुको मैं समझाता हूं। सर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्या जेब्रिकली, अच्छा जनरली, अच्छा जनरली जनरली, तो बेटा सुनो, करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है हमने पढ़ाया था, हाई वोल्टेज टू हाई, टू हाई टू लो, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अब जहां सिंपल सर्किट होता है वहां तो कौन सा वाला उच्च है कौन सा निम्न है ये पता लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट सर्किट में पता नहीं लगा पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कि जहां से मानना है वहां से मान लो, अगर सही है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, डायरेक्शन गलत है तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन परिमाण सही आ जाएगा। सर अब करे भी दोनों, सर आखिर कितनी सारी जो है आप बातें कर रहे हो, तो आइए देखिए अब करते हैं। जैसे भैया मैंने मान लिया, मैंने देखो मेरी मर्जी से देखो कुछ भी मान सकते हैं, तो जैसे मैंने मान लिया कि करंट ऐसे बह रही है, ऐसे कौन बह रही है, करंट, ठीक है ये करंट बह रही है। अब सर मैं कैसे चल रहा हूं, तो बेटा ये भी तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो, तो जी हम लिखेंगे यहां पर कि क्या, ऑन अप्लाइंग KVL, क्या लगा रहे हैं जी, KVL कौन से लूप में, तो भैया लूप का यहां पे नाम दे दो। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ए, यानी ए से शुरू और ए पे खत्म, तुम चाहो तो इसको ए डी सी बी ए कर सकते, तब भी आंसर सेम आता, कोई फिक्र नॉट, टेंशन। केवीएल की खास बात यही तो है कि जहां से जाए वहां से केवीएल लगा दो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। अब देखो समझा रहा हूं बात की गहराई पर आते हैं, ठीक है सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, है ना। अच्छा तो सर हम इस पथ में जा रहे हैं कि सर हम पहले ए से बी जाएंगे, फिर हम बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे और डी से वापस ए पे आएंगे, मजे आएंगे। सर रास्ते में पताशे खिलाना, ठीक है मिलेगी तो खिलाएंगे। तो राहुल चौधरी जी, यस सर, अपसर लगाओ लगाओ केवीएल। सर रेड कलर यूज मत लिया करो, येलो बेटा, इतनी सी बात है, इतनी सी बात, ये लो यार, चलो ठीक है अब इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, आगे से ये वाला कलर काम में नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो बेटा किसी को जो भी दिक्कत है तुरंत कमेंट कर दे, कोई बच्चा दुख नहीं पाएगा। ये क्या लिखा है, ऑन अप्लाइंग केवीएल कौन से लूप में, ए बी सी डी ए, ठीक है ओके। तो आओ राजा आओ और इसको करो। सर देखो मैं ए से बी जा रहा हूं, अरे वाह बेटा बीच रास्ते में कौन आया, कौन आया, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आया, ओहो। और अगर बीच रास्ते में प्रतिरोध आ जाए तो विभवांतर कितना लेना है, आईआर लेना है। अब सर आईआर पॉजिटिव की नेगेटिव, इधर आओ, तुम कहां जा रहे हो, सर हम लोग
ए से बी से सी से डी से ए जा रहे हैं, ठीक है, यूं जा रहे हम, है ना। तो बेटा तुम ए से बी जा रहे हो, है ना, तो बेटा करंट भी वही है, तुम धारा के प्रवाह के अनुदिश जा रहे हो। सर जब धारा के प्रवाह के अनुदिश जाते हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नेगेटिव। ये मैं नहीं बोल रहा, अरे मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, देखो माइनस आई आर था, लगा रहा चिप्पल ठोको ताली, तो आओ राजा। अब यहां लिखेंगे ए से बी में तो देखो माइनस लगाएंगे और आई और इंटू आर कितना है एक, ये इसका काम हो गया। ऐसे करके पूरे सर्किट में चलेंगे। तो रश्मि चौधरी जी यस सर, ओके। सचिन माली जी बाय, मिलते हैं 00:00 18 मिनट्स और 38 सेकंड के बाद। अच्छा क्या बात है। अभी 94 जी रेजिस्टेंस, यहां प्रतिरोध आ गया। रेखा शर्मा जी माइनस आईआर, जी हां रेखा जी आपने बिल्कुल सही सोचा है। सिमरन खंडेलवाल जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सिमरन जी। तो आइए बेटा इसका काम हो गया, ठीक। अब सर मैं देखो ए से बी के बाद सर मैं कहां जा रहा हूं, सर जी मैं जा रहा हूं कहां जा रहा हूं सर, सर जी आखिर कहां जा रहा हूं सर। तो जी हम इसके बाद जा रहे हैं कहां पे, बी टू सी, है ना। तो जब बी टू सी जाओगे तो रास्ते में कुछ है क्या, कुछ ही नहीं है सर, ना तो सेल है ना ही रेजिस्टेंस, तो कुछ ही नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं आएगा, सिंपल, रास्ते में टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बी से सी में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर तुम कहां जा रहे हो, सी से डी में, सी से डी में। सिमरन खंडेलवाल जी यस सर, कविता जैन जी यस सर। तो अब समझिए कि आप सी से डी में जा रहे हैं। तो सी से डी में बेटा बीच रास्ते में कौन मिल गया, बैटरी सेल मिल गया। और बेटा तुम कैसे जा रहे हो, सर मैं सी से डी जा रहा हूं, यानी मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं। तो दोस्तों जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं किसी सेल के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव में तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। प्रिंस बर्नवाल जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो देखिए अब समझिए क्या, आखिर क्या, कि सर आप सी से डी में गए, बीच रास्ते में बैटरी आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस और कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, खत्म। लेकिन सर आगे रेजिस्टेंस है ना। अच्छा अब तुम यूं ही जा रहे हो, करंट के फ्लो के अलोंग जा रहे हो, धारा के प्रवाह के अनुदिश जा रहे हो। तो बेटा जी क्या लिखोगे, माइनस और क्या, आई आर। तो बेटा करंट तो करंट है और आर यानी रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। लिख दिया सिद्धू पाजी, जाके ये कह दो कोई शोलो से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए हमने, खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, वाह 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 ठोको ताली, जी हाँ। तो बेटा देखो सी टू डी आ गए, इसका काम हो गया, इसका काम। अब सर कहां पे आना है, डी टू ए, सर डी टू ए पे आएंगे। तो बेटा बीच रास्ते में क्या आ रही है, बैटरी, और सर बैटरी में सर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो अब क्या आएगा, अब प्लस आएगा और कितना आएगा, 10, और इन सब का टोटल सम कितना, 0। अरे यही तो केवीएल होता है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन। ओके अब क्या करूं बेटा, रायता मत फैलाना, अब केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस आई माइनस फाइव माइनस टू आई प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व किया सर, ये कितना हो गया, माइनस 3i है, और सर ये हो गया प्लस 5 बराबर किसके, 0। सर माइनस 3i बराबर किसके, माइनस 5 पे, माइनस अंकल से, माइनस आंटी, खत्म। तो i की वैल्यू 5/3 एंपियर, दैट्स इट, खत्म। और सर परिमाण तो आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया, और सर पता है खास बात क्या, आपका आंसर पॉजिटिव आया है। इसका आखिर क्या मतलब है, कि जो डायरेक्शन हमने मानी है वो डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगर दिशा हम जो है अपन लोग उल्टी लेते तो यहां पे माइनस आ जाता, पर हम दोबारा सॉल्व नहीं करते, हम तो डायरेक्ट अपना मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कितना लिखते, 5/3 एंपियर। तो बेटा जी ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन। में जोर एक ही बार में आएगा, ये वाला फ्रेम करने में, बस जिसने ये फ्रेम कर दिया उसकी जिंदगी झकास। प्रिंस बर्नवाल जी का भी जवाब आ गया 5/3 एम्पियर, जी हां 200% सही है। तो बेटा अब एक काम करते हैं, चलिए ये तो आपने कराया, चलिए मैं भी करूंगा, प्लीज बेटा करा रहे हैं, क्यों टेंशन में आते हो, इधर आओ। तो बच्चों ये समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो सुजल गुप्ता जी, रेखा शर्मा जी और
और अपने पास सचिन झुंझुनू जी, प्रिंस बर्नवाल जी, सद्दू पाज जी, कविता जैन जी और भी बाकी कई लोग अभी 94T। तो भैया सभी लोग प्लीज प्लीज कमेंट करके बता दो कि समझ में आ गया क्या और ये मैं क्या देख रहा हूं। इस वीडियो पर लाइक का बटन बहुत कम दब रहा है, वीडियो के लिंक को शेयर बहुत कम किया जा रहा है। तो बेटा है ये वाली बात समझ में आ गई, कमेंट करके बताओ जल्दी से। रेखा शर्मा जी यस सर ओके, बाकी लोग भी कमेंट करो और मैं चलता हूं आगे। ये तीन, ये दो, ये एक, आओ आओ सर। प्रिंस बर्नवाल जी समझ गए सर, एक बार और बता दीजिए सर। देखो बेटा सुनो, इधर आओ, फटाफट समझेंगे ठीक है। इधर आओ देखो, अब आप ध्यान से समझना सर जी। क्या कि सर शुरुआत में सर ये नहीं दिया हुआ था ना, ये नहीं दिया हुआ था सर, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, ये सब कुछ नहीं थे सर, ऐसा कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। और हमसे देसी भाषा में आखिर क्या पूछा कि बताइए सर्किट में कितनी करंट बह रही है। तो हो सकता है निकालने के और भी तरीके हो, पर हम बात कर रहे हैं केवीएल की। केवीएल में सबसे पहले अपने लूप का नाम लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया कि भैया मैं इस वाले को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोलूंगा, पर सर करंट तो बह ही नहीं रही। करंट देखो बंद लूप है, करंट तो बह रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं दी हुई। तो डायरेक्शन दिशा तुम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने डायरेक्शन क्या मानी थी, अरे दोस्त देखो अब यहां तो रेड कलर काम में लेना पड़ेगा अरे बाबा, तो यहां पर मैंने डायरेक्शन ये मानी थी, तुम चाहो इसकी उल्टी मान लेना खत्म। तो ये डायरेक्शन, अब सर आप चल कैसे रहे हो, तो बेटा मैं ऐसे चल रहा हूं कि ए बी सी डी ए, यानी ए से होता हुआ बी, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से डी जाऊंगा, डी से ए जाऊंगा। सर अगर मेरा मन करे सर मैं डी से चालू करूं, बेटा कर सकते हो। सर मेरा मन करे कि मैं डी से सी जाऊं, फिर बी जाऊं, फिर ए जाऊं, फिर डी जाऊं, कर सकते हैं, आंसर यही आएगा, समझ गए, 5/3 मैग्नीट्यूड आएगा राइट। तो अब बेटा क्या करे कि देखो जब ए से बी गए, बीच रास्ते में कौन आया, रजिस्टर आया। जब रेजिस्टर यानी प्रतिरोध आता है तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, और कितना आई आर, उसे करंट मान ली आई है तो आई इनटू आर, सर ये लिख दिया सही है। अब सर बी से सी में कुछ नहीं है, छोड़ो, फिर सर सी से डी में सर बीच में क्या आ गया, सेल, और सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, इसने विभवांतर नेगेटिव और जो है उसको वहां लिख दिया ठीक है। अब सर इसी रास्ते में सर देखो बीच में रेजिस्टेंस है और मैं धारा के अनुदिश जा रहा हूं, तो बेटा क्या आएगा, माइनस आया, करंट के फ्लो के अलोंग जा रहा हूं। और बेटा कितना कि सर जो भी करंट है इनटू रेजिस्टेंस आई आर, वही तो इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लिख दिया। अब सर जी इसके आगे क्या, अब देखो सर मैं डी से ए जा रहा हूं, सर बीच में क्या आ गया, सेल आ गया, और बेटा अपन लोग देखो कहां पे आ रहे हैं, अपन आ रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसने विभवांतर क्या आएगा, पॉजिटिव वहां पे लिख दिया, बस। अब इसको सॉल्व किया, लास्ट में आंसर आ गया। खास बात, मैग्नीट्यूड तो सही है ही और ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन, जो दिशा मैंने धारा की ली है वो सही ली है। अगर मेरा आंसर -5/1 इससे नहीं लिखते, किसी और से लिखते हैं, अगर मेरा आंसर -5/3 आता तो भी मैग्नीट्यूड तो सही है, बस डायरेक्शन जो मैंने मानी है उसकी उल्टी आती। दैट्स इट, हो गया खत्म। अब सर एक और कराओ ना सर, वो सर हम ही लोग करेंगे। हाँ बेटा तुम ही करना है। तो जी शशांक मिश्रा जी ने मैसेज करके डिलीट कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है यार, है मैसेज रखा रहने दिया करो यार, कौन रोकता है। तो देखो बच्चों अब आएगा अगला क्वेश्चन तैयार, जो 3, 2, 1 आओ पधार। तो सुनील गुप्ता जी क्लियर सर, आइए। अब समझिए कि बेटा यहां पर एक बैटरी दे दी है, ये कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की, फिर ये दे दिया 1 ओम का है, फिर बेटा यहां पर ये देखो इधर फिर से लगा दिया, फिर ये इधर यहां पे रेजिस्टेंस, फिर यहां पे ये यू और ये यू, और फिर इधर रेजिस्टेंस, ये बोल दिया बेटा 10 वोल्ट का है, और ये बोल दिया बेटा जो है 4 ओम का है, और ये अंकल ने बोल दिया बेटा ये 2 ओम का है, और ये बोल दिया बेटा ये 4 वोल्ट का है, तब मैं क्या करूं। क्वेश्चन वही, फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, यानी परिपथ में बहने वाली धारा का मान सम्मान ज्ञात करना है, करिए फटाफट से। और हाँ यार एक बार कमेंट करके यार ये भी बता दो कि हाँ सर हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया और ये मैं क्या देख रहा हूं। अरे वाह बच्चों ने लगता है जरूर से शेयर किया होगा, तो जो लोग नए जुड़ रहे हो हैं वीडियो पे खाली पीली काम नहीं चलेगा, लाइक का बटन तो दबाना बनता है। तो चलिए भैया
और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से क्वेश्चन करने के ऊपर ध्यान दे, सही है करके बताएं जल्दी से। और जो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो एक बार आकर कोई जोक चुटकुला वगैरह कोई अच्छी बात जो है कमेंट सेक्शन में आकर के लिख सकते हैं ताकि बच्चों का मनोरंजन होता रहेगा यार, क्लास में एनर्जी बरकरार रहेगी। समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रिंस बर्नवाल जी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, हैं सिद्धू पाजी जी, रेखा शर्मा जी, सुजल गुप्ता जी हैं, और जो बाकी और लोग जितेंद्र जाट जी आज कहाँ गए यार हैं। अरे बच्चे की यार क्लास मिस हो जाएगी यार, ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूंगा जो भी बच्चा है रेगुलर क्लास अटेंड करे, जरूर से मजा आएगा। ठीक है तो भैया करो सॉल्व, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आंसर में जो मैग्नीट्यूड है ना परिमाण वो सेम आना चाहिए, दैट्स इट बस। फिर देखना इसी में एक और रापचिक सी बात बताऊंगा, लेकिन घड़ी की जो सुइयां है बार बार इशारा कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं यार मैं भी टिका हुआ हूं, पूरी बात समझा के ही जाऊंगा, पूरी बात समझा के जाऊंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे के जाएंगे। ठीक है ओके सर ओके ठीक है सर। सर जी आप भी कर लो हैं, मैं भी कर लूँ, तो देखो आ जाओ ऐसे। चलो ठीक है, हमने जैसे पहले जो माना था चलो वही मान लेते हैं, कोई से फर्क तो पड़ने से रहा है। तो जैसे इसको बोल दिया ए कोना कोना, कौन सा कोना, ये वाला, बचपन में खूब गेम खेला, तो वो ए, ये जब बी, जे सी, और ये इसको डी मान लिया। ठीक है अब जो आ रहा हूं सर है तो बेटा तुम जा रहे हो कौन से लूप में, लूप यानी कि बंद, अब यार लूप तो लूप ही होता है ना, बंद पथ को लूप कहते हैं। ठीक है अच्छा तो बेटा तुम जा रहे हो लूप ए बी सी डी ए, वापस ए पर आना, ध्यान देना तुम चाहे डी से चालू कर रहे हो तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, वापस बी पर आना है, तभी तो यार बंद लूप। कम ऑन यार ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन। ठीक है सर मैं इस लूप में, अब सर करंट किस डायरेक्शन में, तो वो अपनी चॉइस है रे, कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो मानना है मानो, अगर सही किया है तो बात ध्यान रखना मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण समान आएगा। ठीक है ओके। तो सर जैसे भैया मैंने डायरेक्शन मान ली, देखो दिशा, जैसे मैंने ये मान ली, ये ऐसे भैया दिशा मान ली। ठीक है ये लो सर, तो अगर मैं डायरेक्शन सही ले रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत ले रहा हूं मतलब है ना तो मेरा नेगेटिव आएगा। पर हम दोबारा नहीं करने वाले और एग्जाम में भी दोबारा नहीं करना, बस ये लिख करके आना है कि भैया मैग्नीट्यूड परिमाण तो ये है और डायरेक्शन जो हमने मानी है उसका उल्टा, बस और कुछ नहीं। ठीक है यहां सभी समझदार है ओके सर। तो देखो सर हम ए से बी जा रहे हैं, देखो बेटा ए टू बी, मैं बराबर कमेंट में देख रहा हूं कि देखो कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है, बराबर मैं वॉच कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को, और रेखा शर्मा जी का जवाब आ गया 11/7। क्या बात है रेखा जी, आपने धूम धड़ाके से फर्स्ट क्लास सबसे पहले जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है अब आ जाओ देखो आगे ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी, बीच रास्ते में कौन आ गया, सेल बैटरी, और मैं कहां जा रहा हूं सर, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं, सर को इससे नहीं लिखेंगे शायद दिखता नहीं होगा ये वाला, ऐसे लिखते हैं देखो है ना माइनस 10, ए से बी गए प्लस से माइनस था इससे नेगेटिव। ठीक है अब सर जी बी टू सी में, बेटा बीच में रेजिस्टेंस आ रहा और आप कैसे जा रहे हैं बी टू सी, यानी करंट के फ्लो के अलोंग धारा की दिशा के अनुदिश, तो बेटा माइनस आएगा और कितना आई इंटू आर, तो करंट तो हम आई मान रहे हैं, प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस बेटा कितना है 4 है। ठीक छे ठीक छे। अब देखो बेटा C2 कहां जा रहे हैं D में, तो सर बीच रास्ते में कौन आ गया, बैटरी, और हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो बेटा क्या आएगा माइनस आएगा, और बेटा कितना, क्योंकि 5 वोल्ट है, सर 5 आ गया। ठीक छे ओके, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, आप ऐसे जा रहे हो धारा की दिशा के अनुदिश जा रहे हो तो सर माइनस लगाओ, और कितना आई इंटू आर, तो आई तो आई है और आर कितना है 1। ठीक है ओके, और देखो अभी आगे है सर, अगर डी टू यहां पे गए तो देखो बेटा बीच में सेल आ गया, ये आप नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो ये बेटा बड़ा है, तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हो तो बेटा क्या आएगा प्लस आएगा है ना, और बेटा कितना आएगा 4, और प्रियंका जी का भी जवाब 11/7, यार दो बच्चियों ने सेम आंसर बता दिया,
तो लगता है फिर तो यार यही आंसर होगा। और प्रियंका जी बस मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर क्लास में आओ यार, सही है, मजा आ जाएगा आपको, ये गारंटी। और सुजल गुप्ता जी का भी यही जवाब, क्या बात है, यानी कि आज का पढ़ाना सफल हो गया, बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। अरे और इस जिंदगी में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिमरन खंडेलवाल जी का भी यही जवाब, कविता जैन जी का भी यही जवाब, राहुल, अरे क्या बात है राहुल भैया, सभी बच्चों का यही जवाब आया है, सही है। तो देखो बेटा मैं कहां था, देखो मैं थोड़ा भूल रहा हूं, सर आप डी टू ए आ रहे थे, सर बीच में क्या आ गया सेल, तो सर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कितना हो गया 4। प्रिंस बर्नवाल जी का भी सेम आंसर, क्या बात है प्रिंस भैया, ये हो गया। अब हम करंट के फ्लो के अलोंग जा रहे हैं, यानी कि माइनस आएगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए और आई इनटू आर, ये लो, और बराबर 0। बस सर अब इसको सॉल्व कर दो प्लीज, सर हमें और मत पकाओ, हमें मत पकाओ। तो -10 फिर देखो -4i, फिर यहां पर ये -5, फिर यहां पर ये माइनस आई, फिर बेटा ये +4 और ये -2i बराबर 0। अब देखिए भैया जी, तो देखो -10 है, -5 यानी -15 +4 यानी कितना हो गया -11, ठीक है। अब 4i और ये माइनस और ये 5 यानी कितना हो गया -7i, क्या बात, बराबर 0। यानी बच्चों मुझे लग रहा है तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, तो 7i बराबर -11, जी हाँ, तो i बराबर -11 अपॉन 7, क्या बात है यार, आप सभी का जवाब 100% सही, मजे आ गए भैया आज पढ़ाने में। तो सर बाहर में जाए माइनस, मैं तो क्या लूंगा मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, कितना है 11/7। सर आपका आंसर माइनस आ रहा, इसका मतलब कि जो करंट के फ्लो होने की एक्चुअल डायरेक्शन है वो ऐसे नहीं है, इसके उल्टी है, बस हमें यही लिखना है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब घड़ी की सुइयां पुकार रही है, लेकिन रुको यार, आज का बोनस कॉन्सेप्ट समझाए बिना मैं यहां से सरकने वाला नहीं हूं, समझ गए, मैं यहां से सरकने वाला नहीं हूं। तो बेटा बात समझ में आ गई करंट की वैल्यू, प्रियंका लोरा जी आई एम राइट, जी हां प्रियंका जी आप 100% सही हैं, और बाकी जो भी लोग प्रिंस जी, राहुल चौधरी जी, सिमरन खंडेलवाल जी, कविता जैन जी, सुजल गुप्ता जी, रेखा शर्मा जी, आप सभी ने 100% सही जवाब दिया है, ठीक है। अब सर आप बता रहे थे कि एक लेवल ऊपर लेके जाओगे, है तो सर देखो समय कम है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को झक्का सब मैं आप लोगों को यहां पर एक जो है क्वेश्चन देता हूं। और सुनो बेटा, ये सबने शायद समझ लिया होगा, है, अब यही कर दूं तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, दोबारा से डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा और चीजें गलत भी नहीं होगी, ठीक छे, ओके सर जी, ठीक छे। तो सर ये सबके समझ में आ गया, रब कर रहा हूं 3, 2, 1, क्योंकि अगली स्लाइड पे नहीं लेके जाना चाहता, रे बाबा ये सेम डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, कहीं डेटा लिखने में गलती हो गई तो क्या करेंगे। तो बेटा देखो समझ गए, ठीक सर, ठीक सर। अब सर क्या क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों तुम्हें पता लग गया कि करंट इस सर्किट में कितनी है, सर वो है 11/7। और हाँ अब तुम्हें डायरेक्शन भी पता लग गई, दिशा भी हाथों हाथ फ्री फंट में, कि डायरेक्शन ऐसे नहीं है, इसके उल्टी है, ये तुम्हें पता लग गया ना, पहले पता नहीं था, हाँ सर अब पता लग गया, तो पता लग गया तो ये लो, ये लो जेल, मतलब आंसर में नहीं करना है, ये तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो वाला तो वही खत्म, समझ गए, ठीक सर, ठीक सर। आप कहते हो तो थोड़ी हिम्मत जाग जाती है सर, और तो क्या बताएं, ठीक है। सिद्धू पाजी जी का भी यही जवाब 11/7, रेखा शर्मा जी यस सर, तो ठीक है। अब समझो देखो आगे का सवाल, सिद्धू पाजी पाजी क्या बात है। तो देखो बेटा अब अगली बात क्या, तुमको ये बताना है, जैसे जैसे हाँ तुमको ये बताना है कि VA माइनस VD कितना है, क्या VA माइनस VD कितना है, यानी कि A और D पर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, A और B पर जो विभव है उसका अंतर कितना है। सिद्धू पाजी मैंने भी कर दिया शाबाश, सिद्धू पाजी जी आपको भी शाबाश, क्या शाबाश। तो देखो बेटा जी अब ये बात समझ में आई कि A और D के बीच में निकालना है। अब सर ये क्या करूंगा, सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, फिकर नॉट, एक तो अपनी क्लास में कोई टेंशन नहीं करेगा, साफ शब्दों में क्लियर सुन लो, क्लास में टेंशन करने वाला बच्चा चाहिए ही नहीं, ठीक है, ओके।
तो सर आप ए और डी में हैं, तो बेटा ए और डी में बोल रहा है, तो कोई बात नहीं यहां भी केवीएल लगा देंगे। सर जी कैसे लगाऊंगा, अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एक काम करो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है तो जिन दोनों के बीच में पूछे एक को लिख दो यहां भी है और दूसरे को कॉर्नर में माइनस वी डी और बराबर क्या कर देना जीरो कर दोगे। अच्छा और सर अब लगाओ केवीएल। अच्छा तो बेटा केवीएल क्या है सर, आप ए टू डी जा रहे हो और सर ये क्या है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और आप धारा की दिशा के अनुदिश, क्योंकि मैं ए टू डी, देखो मैं ए टू डी जा रहा हूं ठीक छे, तो प्रिंस बर्नवाल जी काफी खुश लग रहे हैं, काफी जोश में। प्रिंस जी अपने जोश को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना। तो देखो बेटा जी ए और डी के बीच में यानी आप ए से डी जा रहे हो ठीक है, ए को यहां लिखा डी को माइनस डी वहां लिख दिया ठीक है। अब ए से डी गए तो बेटा बीच रास्ते में क्या दिखा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और जब रेजिस्टेंस दिखता है तो क्या देखते हैं कि हम करंट के फ्लो के अलोंग है कि ऑपोजिट। सर आप अलोंग जा रहे हो अनुदिश जा रहे हो तो बीच में रेजिस्टेंस तो क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि आप करंट के फ्लो के अलोंग हो यानी आई इंटू आर यानी कि ये दो हो गया। अब रुको सर फिर बैटरी भी तो है तो आप बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो यानी क्या लिखोगे माइनस फोर ठीक है ओके। अब आगे क्या सर वी ए और देखो माइनस वी डी और इस रायते को मतलब इन टर्म्स को वहां ले जाओ यानी 2i प्लस 4 बेटा जी 2i की मतलब सॉरी i की बेटा वैल्यू क्या 11/7 चमका दे, हाँ चमका दो तो बेटा कितना हो गया 22/7 और प्लस कितना 4 ये लो जवाब आ गया 7 4 28 28 + 22 यानी कि 50 तोला यानी 50/7 वोल्ट ये लो। अरे क्या बात कर रहे हो, यानी कि इस केवीएल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर भी निकाल सकते हैं। सर मुझे भी एक कराओ ना, पर टाइम भी हो रहा, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा तो तुम एक काम करना, अरे तुम क्यों घबराते हो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे लिए होमवर्क का सवाल दे रहा हूं, होमवर्क का सवाल है ध्यान से सुन लो क्या, कि तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताना है कि वीबी माइनस वीडी की वैल्यू क्या है और सेम कॉन्सेप्ट में चलोगे कि वीबी माइनस वीडी की वैल्यू क्या है। प्रिंस बर्नवाल जी का भी यही जवाब आ रहा था 50/7 वोल्ट, क्या बात है शाबाश। तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बेटा ये रहा क्वेश्चन। तो 22/7 कैसे आया, तो बेटा रेखा जी देखो मेरी बात सुनो, यहां पे आई है और आई तुम पुराने क्वेश्चन में पहले ही निकाल चुकी हो बेटा, कितना है 11/7 तो बेटा जब 2 को आई की जगह 11/7 से लिख करके मल्टीप्लाई करोगी तो 2 × 11/7 11 × 22 नीचे 7 इस तरीके से बेटा वहां पर आया। तो रेखा जी अब बात क्लियर हो गई होगी, अब चले आगे। तो बेटा तुम्हारे लिए होमवर्क का क्या सवाल है, तुम्हारे लिए सवाल है VB माइनस VD यानी VB माइनस VD कितना होगा। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अब राहुल चौधरी जी का भी जवाब आ गया 50/7 शाबाश शाबाश। तो बच्चों इसी तरीके से मस्ती से पढ़ना है, आनंद में रहना है, टेंशन नहीं लेनी। तो भैया अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो मस्त रहो, बाय बाय।